चलो सत श्री अकाल जी सारे दोस्तों मित्रों भैन भरावों मैं गुरिंदर वी डू नॉट एक्सेप्ट मनी ऑफ थिंग्स एनजीओ तो अज की वीडियो शेयर कर या ना करने बारे नहीं कहूँगा पर जो अज की वीडियो जो गल्लां करनियां वो ध्यान ना लास्ट तक सुन जरूर लियो शेयर करनी या ना करनी थोड़ी अपनी मर्जी आ अज की वीडियो बहुत ही खास लाई वा तो जे अज दी गल्लां तुहानूं 1% भी सही लगियां तो थले कमेंटा च दस जरूर दियो एक ना तुसीं पंजाबी च कहावत सुनी होनी है कि उठिया ना जावे आप तो फिट्टे मूंह गोड्या दे ये कहावत मैं लगता 101% साडियां सरकारां ते लागू हुंदी आ क्योंकि पिछले 70 साल दी तुसीं साडियां कोई भी सरकार चक के देख लो अज तक मैनू नहीं लगता कि साडी सरकार ने किसी ने जिन्नियां भी हुण तक सरकारां आईयां चाहे कि जो मर्जी होवे तां उन्हां ने एक दूजे नूं निंदर तों बजाए लोगों ने कोई काम किया होगा है ना हैल्थ ते एजुकेशन ते साडे देश बुरी तरह बेड़ा गर्क हो चुके हैल्थ ते एजुकेशन दा हॉस्पिटलों के जो जाके हालात देखते अच्छ सरकार ने महंगे महंगे हॉस्पिटल तो सरकारी बना दते आ पर डॉक्टरी है नहीं डॉक्टर जो डॉक्टर की सुनते हैं डॉक्टर सही लगते हैं मरीजों की सुनते हैं मरीज सही लगते हैं साढ़े सरकार ने हस्पताल तो लखा करोड़ों के खड़े करते पर जड़ियाँ सहूलत चाहिए वो प्रोवाइड है नहीं हो रही स्कूलों वालों बेड़ा गर्क हो चुके साढ़े मैं यही कहूँगा कि हैल्थ से एजुकेशन से बुरी तरह साडा पंजाब मंदे हाल हो चुके हुण भी तुसीं देखोगे कि हॉस्पिटलों 500 रुपये पिछों दवाई वालों बंदा मर जाता या हॉस्पिटल के बाहर बंदा तड़फ तड़फ मर जाता उन्हूं हॉस्पिटल वाले हाथ नहीं पाते सरकारी हॉस्पिटल वाले भी नहीं हाथ पाते वह कातों क्योंकि वह अगे पिछे नहीं कोई होंगे इलाज कराने किसी को पैसे नहीं होंगे जो बंदा लावारिस हों तो हॉस्पिटल तड़फता मर जाता मेरे को लाइव मैं कोई किताबी गल नहीं करता हूँ मेरे को लाइव एक इदा के केस आया कि हॉस्पिटल बंदे पे दो दिन हो गए तो वह कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा जो मैं डॉक्टर को पूछा कि यदा परेट क्यों नहीं कर रहे केंद्र ये अगे पिछे है नहीं कोई दवाइया का खर्चा कितों आऊगा ये हालात हो चुके साढ़े देश के हम तुम सरपंच इलैक्शन आ चुके अपना पढ़ लिया हूँ कैप्शन अज का जो कैप्शन लिखा कि 500 या दारू की बोतल से वेख के तुम अपने आप नहीं बेचते अपने बच्चों के सुपन बेच दें शायद जोड़ा वोट हूँ सरपंच इलैक्शन आ रहा तो रज के दारू मंडी जा रही है पिंडा च तो मैनू लगता है साढ़े लोगों की गलती है जो भी कोई MLA या कोई भी सरकारी बंदा कोई MLA या MP पिंडा जाता तो किसी ने अज तक यही नहीं मंगया होना कि साढ़े पिंड कोई वधिया स्कूल दे दो या पिंड कोई डिस्पेंसरी दे दो हले तक साडिया गलिया नालियां इन पक्या हुई 100 साल हो गए जो भी कोई MLA या MP पिंड जाता तो लोग कह देंगे साढ़िया नालिया पक्या या नालिया नीवियां रह जांदियां बस साढ़िया गलिया नालिया असं उलझे पए हाँ किसी ने यह नहीं कहा कि साढ़े बच्चों लिए वधिया स्कूल बना दो साढ़े पिंड च कोई डिस्पेंसरी दे दो 60 साल हो गया 70 साल हो गए असी गलिया नालिया च रौल के रह गए हाँ तो मैं एक ही गल कहूँगा हम जो भी थोड़े पिंड कोई भी सरपंच वोट मंगना आऊगा ठीक है 500 या 1000 रुपये की जो तुम 500 की बोतल पिछे बैके जाने या 1000 रुपये की दारू पिछे बैके जाने वो तुम अपने आप नहीं बेचते अपने बच्चों के सुपन बेच दें इदा के नुमाइंदे साढ़े देश के लोगों का बेड़ा गर्क हो चुके असी इदा के लीडर चुने कि जिन्हों परची तो बिना ना वो बंदे स्पीच भी नहीं दे सकते जो भी कोई लीडर स्पीच दिता वो अद्धा घंटा बिना परची तो बोल नहीं सकता सारा कुछ परची तो देख के पढ़ रहा हूँ तुम एक गल देखो यार जो बंदे नूं स्पीच नहीं दे सकता कितों देश का भला कर दूगा हुण भी जो थोड़े को कोई भी सरपंच वैसे तो साड़ी वीडियो तुम एंटरटेनमेंट लिए देखते हैं पर मैनू नहीं पता 2 या 3 वीर भी अगर इस वीडियो से अमल कर लैन तो साडा बोलना सफल हो जूगा जो भी थोड़े पिंड कोई सरपंच या कोई भी MLA वोट मंगन आए दारू तो ना डोल जाया करो अगर थोड़े घर च कोई बच्चा बीमार हैगा तो यह कह दिया करो कि सानू हैल्थ इंश्योरेंस करा दो मेरा बच्चा बीमार है थोड़ी सारी जिंदगी की कमाई आ तुसी दारू 5 दिन च 2 दिन की दारू पी के अपने सरदार भगत सिंह ने शहीदी कहदे वास्ते दित्ती सीगी कि साडी जिहड़ी आने वाली नौजवान पीढ़ी आ उह सिर उच्चा करके जा सकती है है ना पर असी तो अजकल शायद जानवरों की कीमत गधे की कीमत भी 5000 हैगी मझ की कीमत भी 60000 आ पर एक इंसान की कीमत कितनी है एक दारू की बोतल से 500 रुपया थोड़े जिहड़े वोटां लैके असीं नुमाइंदे चुन लैंदे उन्हां दा खामियाजा सानू अज हस्पतालां च भुगतना पै रहा क्योंकि बुरी तरह मैं पहलां भी कहा हॉस्पिटलों च सरकारी हॉस्पिटलों वालियां दा बेड़ा गर्क है उत्थे इलाज नहीं हो रहा प्राइवेट हॉस्पिटलों दे असीं मजबूर है ढिड भर नूं लख लख रुपया एक पेशेंट का बन जाता तो साडा भी दिल हुंदा कि असीं सरकारी हॉस्पिटल च बंदे दा इलाज कराईए पर उत्थे कई बार तो डॉक्टर नहीं अवेलेबल हुंदे जदों डॉक्टर अवेलेबल हुंदे आ उत्थे मशीनां नहीं हुंदियां हुण फस असीं जांदे आ सन विचाले है ना आ जो साडे कोले बाई दा केस आया सीगा ये फादर साहब 1 महीने तो घर च बीमार पे सके तो बाई तुम्हें आप दसूगा की हालात से बाई दे 1.5 महीना हो गया घर च बीमार पे बाई रोटी खा लेंदा सी कि नहीं नहीं खा पानी तक नहीं बंदे की जवान ते चढ़ता सीगा 1 महीना हो गया सी बंदा मेरे पिंड दा ही सीगा बाई तो जो मेरे को भी बाई ने मेरे को भी पहुंच मैनू एक गल का दुख है कि बाई मेरे को थोड़ा जहा लेट पहुंचा पर जो मैं पहुंचा मेरे को मैं नाल दी नाल ही कह के बाई बंदे हॉस्पिटल लै जा आपका इलाज करा ला जो खर्चा आऊगा चाहे 20000 आए 30000 आए जिन्ना खर्चा आऊगा सारा खर्चा असं कर देंगे
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਘਰੇ ਪਿਆ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਆਪ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੀ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਬਾਹਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਐਮ ਪੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁੱਜ ਫੁੱਲ ਗਈ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ ਭਰਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹੈਗੇ ਆ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸੁੱਜ ਫੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਫੋਨ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਰੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆਂ ਤਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਈ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਆਪੇ ਕਰੀ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਭਰ ਲਏ ਮਤਲਬ ਪਿਓ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਈ ਗਏ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਆਪਦਾ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਜੀ ਵਧੀਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਆਸਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੋ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਇਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਆ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਚਲੋ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਫਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਬੰਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 1580 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ 350 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 350 ਰੁਪਇਆ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1500 ਰੁਪਇਆ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਾਰ 300 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ 1000 ਦੀਆਂ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਦੇਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ ਲਾ ਚੱਲਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਮਾ ਲੱਗੀਆਂ 6 ਕੋਮੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੈਂਸਰ ਵਾਰਡ ਵਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ ਇੱਧਰ ਜੀ ਦੋ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਲਾਹਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੱਟ 'ਚੋਂ ਮਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਜਰੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1500 ਰੁਪਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕਿਆ ਮਦਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜੰਦ ਜਾਨਾ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਬੰਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਬਈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਹਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਦਰ ਐਡਮਿਟ ਆ ਅਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੂਗਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਦਵਾਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ 'ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ ਉਧਾਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੁੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਆ ਛੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਦੇਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਆ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਆ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ
15 साल का बच्चा वह माँ प्यो होस्पिटल च बैठा वह बंदा दिहाड़ी जाऊगा जिसे घर रोटी नहीं पक रही कल वह बंदा नशिया जी बढ़ूगा बड़ू होर जाऊगा कितने हूँ भी सरपंची इलेक्शन जोर शोर से मैं नहीं लगता कि साढ़े जो भी लोगों ने अपना मंगन आनियाँ वोटा उन्होंने दारूआ नाल घर भर देने तो जो अगला कोई किसी ने अज तक जिन्हें भी लाइव देख रहे किसी ने यह चीज़ मंगी आ कि मेरा बच्चा बीमार यदि हैल्थ इंश्योरेंस करा दो जां साढ़े घर दवाइया दे दो जां किसी सरपंच ने भी हुण तक यही गल कही आ कि हुण तां सरपंची दा इलैक्शन आ हर कोई एक गड्डी मंगोगे हस्पताल जाण नूं तुहानूं चार चार गड्डियां दे देणगे पर जो इलैक्शन लंघ जाता क्योंकि हर एक पिंड च 50% इदां दे लोक हुंदे आ जिन्हां दे घर बेचारियां कोले कंबल लैण नूं भी पैसे नहीं हुंदे हस्पताल तां जाणा दूर दी गल हुंदी आ तां उन्हां बंदिआं नूं तुसीं आप सोच लो जिन्हां कोले दवाई लैण जोगे पैसे है नहीं गे वह हस्पताल कित्थों चले जाणगे किसे अज तक सरपंच ने यह गल कही है कि मैं अपने पिंड च इक एंबूलेंस ला दिंदा एंबूलेंस ला दिंदा जदों भी किसी मरीज़ नूं लोड़ पऊगी वह एंबूलेंस चक के हस्पताल जा सकदा क्योंकि साढ़े जिहड़े पिंडां दे मोहतवार आ उन्हां दा रुझान यही आ कि लोगों नूं जिन्हां नशियां ते लाउणा असीं तां हणा असीं भला थोड़ा करना जे शायद पिंड च एंबूलेंस आ जूगा लोगों का भला होजूगा पर असीं मावां दे पुत्त नशियां ते लाउणे आ भाई तुहाडी पिंड च किसे ने मदद कीती पहलां नहीं कीती किसे ने भी नहीं कीती गए सी किसे कोले जे कोले गए उहने मना करता जी सरपंच ने अच्छा जी तुसीं देखो यार क्योंकि हुण मैं अपने मुँह वार वार की बोला हणा बाकी साडे रब रूप डोनर जुड़े हुए आ जिन्ने भी अज भाई सेवा करके गए आ कनाल वीरा संदीप राकेश कलजीत मैं दिलों धन्नवाद करता जिन्हें भी अज भरा सेवा कर आए से पैरियां तला के अपने डोनर मैं रब तो उतला दर्जा दिना आज बई तो इदा के बंदे जुड़े जिन्होंने हुण तक पता नहीं किन्ने बारी सेवा करती आ जिमें कि तुहानूं पता ही है कि साडा संस्था का काम करने का तरीका असीं पैसे नहीं लेंदे बिना पैसे नूं हाथ लाए हॉस्पिटल सेवा करवाने तो बाई नूं भी अज पुछांगे भाई किदां दा लग रहा सेवा करके बहुत वधिया लग रहा कोई मैसेज देना चाहूँ मेरे यूथ नूं अज दी नौजवान नूं यही बेनती है वीडियो देखण दे नाल नाल इस एनजीओ दे नाल नाल जुड़ो भी ते इहनां दी सेवा दे किदां दा लग्गिया अज सेवा करके बहुत वधिया वाकई मदद हो गई है भाई इन्हां दीआं वैसी वीडियो जी कहिंदे तो जो अज साडे दूजे भाजी सीगे जो नौजवान पीढ़ी आई दी यूथ सेवा करन आउंदी तां दिलों खुशी हुंदी आ कि साडा बोलना सफल हो रहा तो बाई नूं भी मैं कहूँगा बाई नूं जरूर मेरे फीडबैक दो एक एनजीओ दा भाई मेरा ब्रदर एस एनजीओ नाल जुड़िया मैंने भी एस एन जी काफ़ी चिर का पता से हूँ अगे इन फ्यूचर मैं भी एस एन जी जुड़ूंगा अज मैं अपने ब्रदर के बिहाफ से इतने मदद करके गया अगे तो आप एस एन जी जुड़ा तो होर भी जुड़न की कोशिश करा बई कि लग्या काम कर क्योंकि अजक ना हर एक लोगों का धंधा बनया कि अकाउंट च पैसे पवा लो ठीक है वह पता नहीं भी गांह बंद मिलते हैं कि नहीं मिलते साड़ी एन जी ओ का काम करने का जो तरीका कि बंद ने 100 रुपये की सेवा की हो स्वाद आ जाता भी 100 रुपया गया कितने आ हूँ यह बई अज इतने सेवा कर आए हैं इन्हों का गुरबाणी च होंगे कि तन मन धन की सेवा यह बइया का तन भी लग्या मन भी लग्या तो धन भी लग्या बई न पता तो है ना कि मेरे पैसे गए कितने आ नहीं तो पुराने टाइम से एक गल चली सी कि गुप्त दान करना चाहिए मैं भी मानता कि गुप्त दान करना चाहिए पर वो जी गुरुआ ने साडे ने गल कही थी वो सतयुग च गई थी हुण कलयुग चल रहा जिहड़े तुसीं गुप्त दान पिछे तुरे फिरदे नूं अंदर अंदर ही गुप्त हो रहा बई किदां दूजे बाकी संस्थावां जिहड़ियां पैसे लैंदियां नूं मैं माड़ा नहीं कहूँगा बहुत वधिया काम कर रहे वीर पर जिहड़ा साडी संस्था दा काम ये वाकई ट्रांसपेरेंट आ कि वैसे चूल्हा ही है नहीं बई कोई भी है ना हरेक दा अपना तरीका हुंदा पर थोड़ा तरीका भी सब तो वखरा इस कोई मान लो आया पाई नहीं कर सकते कोई लुक हैगी जोड़ा भी कुछ आ मान लो क्लीयर है तो सारे के सामने कल कोई ये नहीं कह सकता भी तुम पैसे खा रहे सही सही गल है जी ये एन जी ओ एक खुली किताब आ साडे कोल कोई भी खड़ा रहे क्योंकि असी कहड़ा भाई भेद कोई लुकाना होंगे ये एन जी ओ ना जी एक खुली किताब आ कोई भी साडे कोल आके खड़ सकदा किदां सेवा हुंदी आ देखियां ते कई भाई घंटे तो आए नाल खड़े से डोनर सेवा करके चले गए आ किसी काम करके वीडियो अगे नहीं आते साढ़े डोनर का बड़प्पण आ इस एन जी ओ हुण तक कई डोनर इदा के जिन्होंने लखा की सेवा करती आ हले तक वो अगे नहीं आए यह साढ़े डोनर का बड़प्पण आ बाकी तुम एन जी ओ रजिस्टर करना चाहते www.anmolngo.com गूगल पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं जो साडा नंबर आ 7889168849 अगर तुहाडे कोल केस आ जां तुसीं सेवा करनी इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह